चार महीने में तीसरी बार सर्विस सेंटर जा रही है कर दी। इफ जैसे इग्निशन करूंगा देखियो 7036 किलोमीटर चल गई है। यहाँ पे देखियो ऊपर उड़ा होगा विजिट सर्विस सेंटर और एक आओगा AMIB एरर कुछ ऐसा कुछ आओगा। ये ऑन करा देखो इंजन लाइट जल रही है और आ जा ये देखो AIB माल फंक्शन विजिट सर्विस सेंटर दो बार ये दिखावा है। इंजन लाइट जलती रहे फिलहाल गाड़ी स्टार्ट नहीं है। ये मैं गाड़ी ने स्टार्ट करूँ इब के बताऊं टाटा की गाड़ी तो एक नंबर ही है पर टाटा का जो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है वो किस हद हमने बे रहे है तो नू समझ लियो थम गाड़ी पूरे 2 महीने चलाओगे या थरी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी 4 महीने तो भाई वो। अरे एक बहुत जरूरी बात था तो इसमें मैं बताने वाला हूँ जो कि अगर थम टाटा की गाड़ी ऑन कर रहे हो तो राम राम भाई सारा ने के ढंग से उम्मीद से सारे बढ़िया होंगे कांचे काट रहे होंगे। तो भाई इब के बताऊं टाटा की गाड़ी तो एक नंबर ही है पर टाटा का जो सर्विस सेंटर एक्सपीरियंस है वो किस हद हमने बे रहे है। गाड़ी ने हमने गाड़ी ली थी 28 मई 2024 ने और फिलहाल चल रहा है सितंबर तो गाड़ी ने हो गए 4 महीने और 4 महीने में तीसरी बार आज अपनी गाड़ी जो जा रही है टाटा के सर्विस सेंटर में। इब हमने बे रहे है टाटा की गाड़ी एक नंबर ही फीचर्स एक नंबर है परफॉर्मेंस एक नंबर है बट सर्विस सेंटर का हाल हमने बे रहे है। गाड़ी में छोटी सी भी दिक्कत आ जाए तो नू समझ लो थम गाड़ी पूरे 2 महीने चलाओगे या थरी गाड़ी सर्विस सेंटर में खड़ी रहेगी 4 महीने तो भाई वो आला आल है। पर टेंशन लेने की कोई बात नहीं है अपनी वो आली सिचुएशन नहीं है अपनी के सिचुएशन है क्यों सर्विस सेंटर लेके जा रहे हैं वो थमने मैं बता दूं। गाड़ी अपन ने ली थी 28 मई 2024 ने फिलहाल चल रहा है सेप्टेम्बर तो गाड़ी ने मोटे मोटे हो चुके 4 महीने और 4 महीने में अपन ने अच्छी खासी चला दी है या फिलहाल 7000 किलोमीटर चल चुकी है। तो जैसा कि 7000 किलोमीटर पर अपनी होनी थी दूसरी सर्विस तो भाई अपा जा रहे हैं अपनी पंच CNG की दूसरी सर्विस के लिए। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है हाँ दिक्कत हो है तो थमने बे रहे हैं टाटा के सर्विस सेंटर की से है पर फिलहाल गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है। मैं थमने दिखा दूर आता है एक बार देख लो फोकस हो जा 7036 तो 7036 किलोमीटर चाल ली है अपनी गाड़ी तो दूसरी सर्विस होने वाली है तो उसके लिए ही लेके जा रहे हैं और गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है परफॉर्मेंस वाइज कोई दिक्कत नहीं है कोई फीचर वाइज कोई दिक्कत नहीं है तो गाड़ी अपनी अभी तक तो भाई गाड़ी साथ दे रही है कोई एक सेकंड की भी दिक्कत नहीं है। और पहली सर्विस कराई थी उसके पास एक छोटी सी दिक्कत आई थी उसकी भी मन था तो वीडियो बना के दिखाई थी तो वह चैनल पर देख लियो। और यह तीसरी बार सर्विस सेंटर जा रही है चार महीने में तीसरी बार सर्विस सेंटर जा रही है और अपने रेगुलर शेड्यूल पर जा रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस एक छोटी सी दिक्कत है जो गाड़ी स्टार्ट करे है ना तो इसमें इंजन लाइट जड़े है और फिर वो आ है विजिट सर्विस सेंटर इब वो के रोला है जैसे गाड़ी स्टार्ट हो है तो चले आ जाए लेकिन जब एकदम तक इग्निशन ऑन हो है ना जब एक चीज आओ है एक छोटा सा एरर सा है वो थमने में रुको एक सेकेंड है ना गाड़ी साइड में रोक के फिर थमने दिखाऊंगा तो थारे समझ में आ जाएगी। उसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। और भाई रही बात इसकी माइलेज की तो उसके बारे में भी बात करेंगे पहले थमने वो एरर दिखा दूं। ये गाड़ी रोकी देखो फिलहाल कोई इंजन लाइट नहीं है गाड़ी में फोकस हो जा कोई इंजन लाइट नहीं है कोई एरर नहीं है गाड़ी मैंने करीब बंद कर दी। इब जैसे इग्निशन करूंगा देखियो 7036 किलोमीटर चल गई है। यहाँ पे देखियो ऊपर उड़ा होगा विजिट सर्विस सेंटर और एक आओगा AMIB एरर कुछ ऐसा कुछ आओगा। ये ऑन करा देखो इंजन लाइट जल रही है और आ जा ये देखो AIB माल फंक्शन विजिट सर्विस सेंटर दो बार ये दिखावा है इंजन लाइट जलती रहे फिलहाल गाड़ी स्टार्ट नहीं है। ये मैं गाड़ी ने स्टार्ट करूंगा ये भाई देखो मन ने इसकी नॉलेज नहीं है जो नहीं बेरा भाई वो नहीं बेरा यो के एरर है किस चीज का एरर है मन ने इसका कोई आइडिया नहीं है तो या एक चीज आ रही है या मेरे ख्याल से हम के हो जाता है फिलहाल है ना वहां गए थे हम तो हमने पिछले व्लॉग देखे होंगे तो हम उत गए थे हिमाचल गए थे कसोल गए थे तोश गए थे फिर अपा जिबी गए थे जिबी तो ऊपर जलोरी पास गए थे तो चैनल पे पिछले व्लॉग है तो उसमें है ना एक चीज हुई थी वो मैं रिकॉर्ड तो ना कर पाया वहां पर मैं खुद घबरा गया था। एक्चुअली हुआ क्या था पहाड़ आते नीचे आ रहे थे तो उसका मैंने थोड़ा सा आइडिया नहीं था इतनी हाइट पे मैं पहाड़ा पे पहली बार लेके गया था तो वहां पे होया कि जब पहाड़ आता आप नीचे आओ ना तो गाड़ी आपकी पहले दूसरे गियर पर चलनी चाहिए और आपने ब्रेक का है ना ब्रेक पे लगातार पैर नहीं धरना चाहिए। अगर आपकी गाड़ी आ रही है पहाड़ आते नीचे एक तो पहले और दूसरे गियर पर चलनी चाहिए दूसरे पे भी नहीं अगर ज्यादा चढ़ाई है ज्यादा ढलान है तो पहले गियर पर चलनी चाहिए। तो मैंने वहां पर गलती यह कर दी थी कि मैं दूसरे गियर पर चला रहा था 40-50 की चल रही थी और लगातार ब्रेक पे
ब्रेक पे मेरा पैर था, तो उस तक होया कि जो हमारे गाड़ी के ब्रेक पैड है ना, वे बहुत गर्म हो गए थे, हीट हो गए थे, और जो डिस्क पैड थी वो भी हीट हो गई थी, तो ब्रेक लगे ना रहे थे भाई, कति उसमें रह गए ना कंटिन्यूस, वो फ्रिक्शन खत्म हो जाए, तो वहां पर ब्रेक उस तरीके से यूज करने हो है, पहले गियर में आप चलो ढलान पे और 20-30 की स्पीड पे चलो, जहां पर जरूरत है वहीं पे ही आपने ब्रेक पे पैर रखना है, अदरवाइज आप पहाड़ आते नीचे आओगे और कंटिन्यूस आपका ब्रेक पे पैर रहेगा तो आपके ब्रेक लगने बंद हो जाएंगे, आपका हैंड ब्रेक भी लगना बंद हो जाएगा, आपके जो पैर के ब्रेक हैं वे भी लगने बंद हो जाएंगे। तो वो एक नया एक्सपीरियंस था, वो नई चीज मैंने वहां पर सीखी। फिर उसके पाछे अपन ने गाड़ी कम से कम 1-1.5 घंटा रेस्ट दिया ताकि जो ब्रेक पैड अपने हीट हो रहे हैं, डिस्क पैड जो हीट हो रही है वो ठंडी हो जाए, उसके पाछे अपा फर्स्ट क्लास नीचे आए क्योंकि वहां पे थारे भाई ने सबक सीख लिया था। तो वो एक दिक्कत थी मेरे ख्याल से, ये जो एरर आ रहा है ना ये उसके पाछे आ रहा है, उससे पहले ये एरर नहीं था, तो यो सारा सौदा है। तो था तो सारा बता ही दिया भाई, गाड़ी का ओनरशिप हमने देखना है, पंच आपने लेनी चाहिए CNG में लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए, तो वो भी मैंने पीछे से वीडियो डाली है, उस पर आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखो मैंने है ना कोई भी छुपाने वाली बात नहीं करी है, भैया मेरी गाड़ी है मैंने ले रखी पंच CNG, तो मैं तारीफ करूंगा, मैंने उस ओनरशिप रिव्यू में है ना जेन्युइन सारी चीज बताई, कति सारी जेन्युइन चीज मैंने बताई है, गाड़ी में कमी क्या है, गाड़ी की माइलेज रियल माइलेज कितनी आ रही है, मैं वो वाली नहीं बताई है भाई गाड़ी ने थम आराम से 60-70 पर चलाओ और घनी माइलेज निकाल लो, एक नॉर्मल बंदा मेरे जैसा बंदा थोड़ा जो तेज चला है वो चलाओगे तो कैसी माइलेज आओगी, सारी चीज मैंने है ना A to Z कति फुल फिल्टर के साथ, कोई फिल्टर नहीं, बिल्कुल ऑनेस्टली सारी चीज बता रखी, तो वो थम जाके देखोगे तो थमने समझ में आओगे हाँ भाई ने जेन्युइन रिव्यू दे रखा है, तो वो जाके थम देख लियो, अगर थम पंच CNG लेने की सोच रहे हो तो वहां तक थम अपना डिसीजन बना सको। तो यो था सारा, और जितनी भी जर्नी है अपनी इस गाड़ी की जिस दिन ते ली थी और आज तक की, आज दूसरी सर्विस कराने जा रहे हैं, सारी थार तक शेयर कर दी है। अरे आपा इस तरह ऐसा नहीं सिर्फ हमने यहाँ सिटी में चलाई हो, हम इसने पहाड़ा में भी लेके गए हैं, कसोल तक लेके गए हैं, मनाली तक लेके गए हैं, राजस्थान खाटू श्याम भी लेके गए हैं, हरिद्वार भी लेके गए हैं, और आगे इसकी ट्रिप बनाते रहेंगे, सोच रहे हैं अभी केदारनाथ जाने की या फिर मनाली जाने की, तो वो सारा सीन है। तो ईब चल है भाई, बात बहुत होगी, घनी लंबी वीडियो बन जाएगी, 6 मिनट की तो हो गई, तो कोई ना ईब चल है सर्विस सेंटर और देखे हैं वो दूसरी सर्विस में, वैसे तो दूसरी सर्विस में भी कुछ ना होता हुए चेक के करे हैं, इंजन ऑयल चेक कर लेंगे, एयर फिल्टर चेक कर लेंगे कि मैं होगी इंजन ऑयल कम होगा तो उसका टॉप अप कर देंगे, तो यो सारा सीन होगा मेरे ख्याल से, तो और कोई खास इसमें होना नहीं है, और फिर गाड़ी ने साफ करके दे देंगे। मेरा प्लान ये था, आप आ गए थे मेरे ख्याल से 5,500 थी ना अपनी, 5,500 चली थी जब हम गए थे वहाँ हिमाचल, तोश वोश और जिबी और जलोरी पास, तो वहाँ पे 5,500 थी, यहाँ तक लिखे जी और वापस आए जी, वो ऑलमोस्ट 6,800-6,900 चल गई, 2 दिन अपने सिटी में चलाई तो अपने 7,000 किलोमीटर चल गए, तो गाड़ी काफ़ी गंदी हो रही है, बाहर तक भी धूल जम रही है गाड़ी में, अंदर भी चिप्स विप्स पड़ी हैं, कई सामान एंड बट्टी पड़े हैं, अंदर तक भी गंदी हो रही है, कैमरा में ना दिख रही होगी पर गंदी हो रही है, तो प्लान ये था आवेंगे सीधी सर्विस सेंटर में दे देंगे, तो वो एक कराने जा रहे हैं अपनी गाड़ी धुल के एकदम क्लीन भी हो जाएगी ट्रिप के पास, तो फिलहाल चले हैं सर्विस सेंटर। तो भाई गाड़ी खाली कर दी, देखो कितनी गंदी हो रही है, अंदर तक भी भीतर तक भी खूब गंदी हो रही है, तो सामान वामान निकाल दिया, ये भी एडवाइजर ना आए हैं, सब तो पहले मैं आ रहा हूँ, तो भीतर बैठेंगे। तो भाई आ रही अपनी गाड़ी, वॉशिंग होना लग रही है मेरे ख्याल से, हाँ वॉशिंग पर लग गई पहले, ये देख लो वॉशिंग होगी, फिर चेकअप वेकअप होगा। तो भाई थमने देख लिया होगा अपनी गाड़ी की सर्विस तो होली है पूरी, एक बात करें इसमें खर्चा की मैं लग गया या ना लग गया के लग गया के होया, अरे एक बहुत जरूरी बात था ते इसमें मैं बताने वाला हूँ, जो कि अगर थम टाटा की गाड़ी ऑन कर रहे हो, था दो टाटा की कोई सी भी गाड़ी है, तो यह बात बहुत जरूरी है थार लिए,
अगर सर्विस के टाइम पे थमने बेरा है टाटा की गाड़ी एक नंबर ही, मेरे घर की है तीसरी गाड़ी है जो कि टाटा की है, इससे पहले टिगोर भी है, टियागो भी है, वो अभी यूज कर रहे हैं। टाटा की गाड़ियां में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भाई जो थमने सब ने सुने होगा, लेकिन बात करें इनकी सर्विस की, तो भाई सर्विस में ये कितने ना कितने लैग कर रहे हैं, और वहां पे इतनी बढ़िया सर्विस इनकी नहीं है। अब मैं जो बताना चाह रहा हूँ, तब तो पहले तो मैं थमने इसकी बिलिंग दिखा दूं, तो यह थी भाई अपनी सेकंड सर्विस थी जो फ्री सर्विस होया करे, और इसमें देखो कि अपना काम क्यों हुआ है, वॉशिंग हुई है, वैक्यूम हुई है, स्टैंडर्ड चेक हुआ है, और सेकंड फ्री सर्विस है। इसका बिल थम देखोगे तो जीरो है, अपनी यहाँ पे अठन्नी भी नहीं लगी है इस वाली सर्विस में, ठीक है। अब जो चीज मैं था तब बताना चाह रहा हूँ वह यह है, वही देखो, पहली जो सर्विस कराई थी उसमें भी मेरे साथ ये होया था, दूसरी सर्विस में भी मेरे साथ ये होया था। अगर थार दौरा टाटा की गाड़ी है और थमने सर्विस बढ़िया करानी है ना, तो भाई गाड़ी के साथ साथ रही हो। इसमें भी क्या होया था, जब हमने पहली वाली जो सर्विस हुई थी ना मेरी 1000 किलोमीटर पे इसकी गाड़ी की, जब देखा होगा तो उसमें भी सर्विस सेंटर, और स्पेशली बात करूं भाई जो ओखला फेज टू वाला सर्विस सेंटर है टाटा का, सब मोटर्स का, अगर इस पे सर्विस करा रहे हो तो स्पेशली ध्यान रखना, अगर थारी गाड़ी की फ्री सर्विस है तो वे क्या करे हैं, सीधा जाके है ना वॉशिंग में लगा दे हैं गाड़ी, ना उसका एसी फिल्टर चेक करते, जो जनरल चेकअप होया करे ना फ्री सर्विस में, उसका एसी फिल्टर चेक करना, उसका ऑयल फिल्टर चेक करना, उसका नट बोल्ट वगैरह जो भी है लूज वगैरह सारी चीज चेक करना, टायर्स चेक करना, वो सब वे नहीं करते फ्री सर्विस में, सीधा क्या करेंगे गाड़ी ने ऊपर ऊपर तो देखी और वॉशिंग में लगा देंगे। इब जो हमने वीडियो में पीछे देखे ना, वहां पे उस पे पूरी रैंप पर चढ़ा के ऊपर उसके टायर वायर चेक करे, सारा सौदा चेक करा, वो भाई एन ने क्या करा था, पहला गाड़ी है ना सीधा वॉशिंग में लगा दी थी मेरी, पर मन ने तो बेरा था क्योंकि जब पहली सर्विस कराई थी, जब भी ने ऐसे कराया था, तो मैं गया, मैंने एडवाइजर बुलाया, एडवाइजर थोड़ा धमकाया, फिर जब जाके उसने वॉशिंग पर तय गाड़ी हटाई, और जो इसका चेकअप था ना नॉर्मल चेकअप, जिसमें इसका एसी फिल्टर भी क्लीन कराया, फिर ऑयल फिल्टर क्लीन कराया, फिर इसका जो नट बोल्ट वगैरह है वे सारे सौदे चेक करे, तो वो सारा काम कहने के बाद होया। तो भाई मेरा सजेशन यो है, अगर टाटा की गाड़ी ऑन कर रहे हो और गाड़ी की सर्विस कराने जा रहे हो, तो मेक श्योर यो वाला काम ना करो, भाई गाड़ी दे दी और आप चले गए, और गाड़ी 4-5 घंटे में गाड़ी ने उल्टा लेन आ गया, भाई सर्विस तो हो ही जाएगी। भाई देखो कमी जो है ना, मैंने जेन्युइन जो जेन्युइन चीज है वह था तो बताई है, अगर तुमने गाड़ी की बेस्ट सर्विस चाहिए तो गाड़ी के साथ साथ रहियो सर्विस सेंटर में, देखते रहियो गाड़ी में काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली सर्विस में भी मेरे साथ यो ही होया था, दूसरी सर्विस में भी यो ही होया था, फिर मैंने कही, और जब उनते कहोगे आप तो वेनु कहे भाई पहले वॉशिंग होगी उसके बाद गाड़ी का चेकअप होगा और फिर दोबारा वॉशिंग होगी, मगर पागल बना रहे होगे कौन सी सर्विस सेंटर में जो दोबारा दोबारा दो दो बार गाड़ी की वॉशिंग करेंगे। नॉर्मली क्या होता है कि पहले गाड़ी की पूरा चेकअप हो है, जो भी एसी फिल्टर ऑयल फिल्टर जो सारी चीज चेक करनी हो ही, वो सारी चीज चेक हो ही, उसके बाद गाड़ी की लास्ट में वॉशिंग होके क्लीन होके आप तो मिल जा करे, लेकिन इन्हें क्या करे सीधा वॉशिंग में दे दी। तो भाई यह चीज ध्यान रखियो, अगर टाटा की गाड़ी ऑन कर रहे हो और सर्विस कराने जा रहे हो, तो मेक श्योर करो गाड़ी ने सिर्फ दे के मत आओ, गाड़ी के साथ साथ रहो। 2-3 घंटे खराब होंगे, खराब तो क्यों होंगे, 2-3 घंटे लगेंगे, 4 घंटे लगेंगे, लेकिन आपकी गाड़ी की सर्विस बढ़िया हो जाएगी, एक नंबर हो जाएगी। और जहां पे भी आपने लगाया ना उन तक कह दो, मेरी गाड़ी में भी यो था, उन सीधी वॉशिंग में लगा दी थी। तो यो पूरा दूसरी सर्विस का एक्सपीरियंस है, बाकी इसमें कुछ होना नहीं था, दूसरी सर्विस में भी नॉर्मल हो है जो पहली सर्विस में हो है, जो 7,500 पे होनी थी अपन ने 7,000 पे करा ली, वो 500 किलोमीटर ऊपर नीचे हो जाए इसमें, तो कोई दिक्कत वाली बात ना है। जो तीसरी सर्विस होगी वह होगी 15,000 पे, वह एक मेजर सर्विस होगी जिसमें इसका इंजन ऑयल भी चेंज होगा, इसका एयर फिल्टर भी चेंज होगा, एसी फिल्टर भी चेंज होगा, और भी जो सारी चीज होंगी, तो वह जो होगी तीसरी मेजर सर्विस होगी, तो वह जब आएगी इब तो पूरे पूरे 7-8 हजार किलोमीटर बच रहे हैं उस मार्ग में, बट बता रहा हूँ जो पहली सर्विस होगी वह 1000 किलोमीटर होगी, उसमें भी जनरल चेकअप हो है, दूसरी सर्विस हो है उसमें भी वह है 7,500 पे, वह भी जनरल चेकअप हो है, तीसरी हो है अपनी मेजर सर्विस। तो भाई यह थी वीडियो अपनी टाटा पंच की दूसरी सर्विस की, बाकी सारी जर्नी चैनल पर शेयर कर रखी है, वीडियो बढ़िया लग रही हो, थारे भाई का जो कंटेंट दे रहा हूँ वो बढ़िया लग रहा, तो वीडियो ने लाइक कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, और मिला था अगली वीडियो में, जब तक जय बाबा की, राम राम।